थर्ड हमारे पास शिमफ्लग इमेजिंग बेस्ड जो है कॉर्नियल टोपोग्राफी सिस्टम है, ठीक है। हमारे पास स्लिट स्कैनिंग के बाद, ठीक है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक रूल पे क्या काम करता है कि हमारे पास एक ओब्लिक टेंजेंट जो है ड्रॉ किया जाता है इमेज से, ऑब्जेक्ट से और लेंस प्लेन से, ठीक है। और इन तीनों का जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हमारे पास शिमफ्लग पॉइंट कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास इमेज जो है वो बेस्ट फोकस में हमें नज़र आएगा, ठीक है। शिमफ्लग साइंटिस्ट था तो उन्हीं के नाम पे इस पॉइंट का नाम रखा गया है। तो हमारे पास जो कमर्शियली अवेलेबल सिस्टम है, पेंटागैम है, गैलीली है एंड सीरियस है, जो मोस्ट यूज़फुल है और जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है वो हमारे पास पेंटागैम ही है। अच्छा, पेंटागैम के बारे में एक बात आपको बता दूँ कि इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जो कि आने वाले चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे भी इसके डिटेल जो हैं प्रोवाइड की हुई हैं, जितनी इधर प्रोवाइड हैं तो वो इंशाल्लाह इधर ही मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हमारे पास 50 इमेजेस जो है लेस देन 2 सेकंड में ये क्रिएट कर सकता है, ठीक है। हर इमेज का हमारे पास 500 ट्रू एलिवेशन पॉइंट्स होता है, टोटल 25,000 ट्रू एलिवेशन पॉइंट्स कॉर्नियल सरफेस के लिए, ठीक है। तो इतने ज़्यादा हमारे पास ये एलिवेशन पॉइंट्स हमें प्रोवाइड कर सकता है। इसमें हमारे पास 2 कैमराज होंगे, ठीक है। एक हमारे पास जो है डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ प्यूपिल, ठीक है, जो कि हमारे पास प्यूपिल की मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और हमारे पास जो है फिक्सेशन एंड ओरिएंटेशन के लिए हमारे पास यूज़ होता है। और सेकंड कैमरा जो है वो विजुअलाइजेशन यानी इंटीरियर सेगमेंट को देखने के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। और हमारे पास ये बोथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ कॉर्निया की इमेजेस अटेन कर सकता है, ठीक है। और इसका जो हमारे पास एक लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, इसी पेंटाकैम का, पेंटाकैम AXL, ठीक है, जो कि जर्मनी मेड है हमारे पास। ये हमारे पास एक्सियल लेंथ भी मेजर कर सकता है, जो कि सर्जन्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है IOL कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है। हमारे पास इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस जो है बहुत सारी हैं, जैसे कि कॉर्नियल शेप मेजर कर सकता है, कॉर्नियल थिकनेस, ठीक है, पैकीमेट्री हमारे पास, और कॉर्नियल पावर, और इसी तरह कॉर्नियल एलिवेशन मैप्स, कॉर्नियल कर्वेचर मैप्स, केराटोकोनस स्क्रीनिंग के लिए, और प्री ऑपरेटिव स्क्रीनिंग जो है रिफ्रैक्टिव सर्जरी से पहले, और कॉर्नियल वेव फ्रंट एनालिसिस, इन सारों को भी डिटेल से पढ़ना है। इसीलिए मैंने पहला जो है डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया कि कॉर्नियल शेप को अगर हम देखें ये किस तरह मेजर करता है, तो ये हमारे पास एक मैप प्रोड्यूस करेगा जो कि एलिवेशंस और डिप्रेशंस जो है हमारे पास देंगे कॉर्निया के सर्फेस पे, ठीक है, जिससे हम कॉर्नियल शेप को मेजर करेंगे। कॉर्नियल फ्रंट एंड बैक सर्फेसिस एनालिसिस जो है वो हमारे पास ट्रू एलिवेशन मेजरमेंट जो है वन साइड से लेके दूसरी साइड तक जो है आपके पास लेते हैं, उसी की बेस पे हमारे पास ये मैप जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लिम्बस टू लिम्बस हमारे पास इसमें जो है कवरेज प्रोवाइड की जाती है। हमारे पास लार्जर एरिया ये कवर करता है और काफ़ी एक्यूरेट एलिवेशन मेजरमेंट्स हैं इसकी, ठीक है, हमारे पास जो पिछले सिस्टम्स हमने पढ़े उनके मुकाबले में। और हमारे पास अब सेकेंड जो है कॉर्नियल थिकनेस की मेजरमेंट, ठीक है, तो हमारे पास ये 25,000 डेटा पॉइंट जिस तरह पहले बताया, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा ताकि हम जो है ट्रू थिकनेस जो है कॉर्निया की वो हमारे पास इसकी विड्थ और इसकी जो असल हाइट है वो हम इसके ज़रिए फाइंड कर सकें। हमारे पास कॉर्नियल थिकनेस जो है ये टॉप ऑफ एपिथीलियम से लेके एंटीरियर सरफेस ऑफ एंडोथीलियम तक देता है, और इसमें जो है टियर फिल्म को ये खुद ही एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। और इसका जो डिस्प्ले है वो हमारे पास एक कलर इमेज की तरह आएगा, ठीक है, और इंटायर कॉर्निया, ठीक है, लिम्बस से लिम्बस तक आपके पास जो है कलर इमेज जो है ये प्रोवाइड करता है। पेंटाकैम का जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, उससे हम जो है IOP मॉडिफिकेशंस जो है हम कर सकते हैं जब हम कॉर्नियल थिकनेस को मेजर कर रहे हो, ठीक है। IOP हमारे लिए इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो पोस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी पेशेंट्स में हमारे पास काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसी तरह ओकुलर हाइपरटेंशन, जिन्हें हमारे पास ब्लड प्रेशर वगैरह इस तरह के पेशेंट्स हैं, या ग्लाकोमा स्क्रीनिंग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। हमारे पास और भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इस पेंटाकैम से, जैसे कि थिकनेस इन सेंटर ऑफ प्यूपिल, एपिकल कॉर्नियल थिकनेस और थिनेस लोकेशन जो है वो हमारे पास ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास जो एपेक्स है और जो थिनेस पॉइंट होते हैं कॉर्निया के, उसका हम कंपैरिजन इसके लिए कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अर्ली केराटोकोनस डिटेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। इस तरह एंटीरियर चैम्बर एनालिसिस में हमारे पास जो है चैम्बर एंगल, चैम्बर वॉल्यूम, चैम्बर हाइट और साथ में जो है मैनुअल मेजरिंग फंक्शन जो है एनी लोकेशन जो है एंटीरियर चैम्बर में फाइंड कर सकते हैं। पेंटाकैम के ज़रिए हमारे पास इंटीरियर चैम्बर जो एनालिसिस है, यानी हमारे पास चैम्बर एंगल, चैम्बर वॉल्यूम और चैम्बर हाइट जो है, साथ में जो है इसकी मैनुअल मेजरिंग फंक्शन भी जो है एनी लोकेशन पे जो है हम इंटीरियर चैम्बर में इसके ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें 2 मैप और 4 मैप जो कंपेरिजन्स हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का इंटीरियर सेगमेंट का, और ये हमारे पास इसलिए यूज़फुल रहता है ताकि हम प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट्स को जो है कंपेयर कर सकें रिफ्रैक्टिव सर्जरीज के लिए, ठीक है।
और ये हमारे पास जो है लॉन्ग टर्म प्रोग्रेशन फॉलोअप में भी जो है पेशेंट्स में हेल्प करता है, जो कि कोलेजन क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस जिनमें होना हो। हमारे पास पेंटाकैम के ज़रिए पैकीमेट्रिक प्रोग्रेशन इंडेक्सेस जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं हर हेमी मेरिडिया के लिए ओवर 360 डिग्री ऑफ कॉर्निया के लिए, ठीक है। हमारे पास एवरेज पीपीआई और मैक्सिमम पीपीआई वैल्यूज़ जो है वो इससे निकाली जा सकती हैं, ठीक है। और इनका आपस में जो रिलेशनल थिकनेस है, ठीक है, इन जैसे एम्ब्रोसियो रिलेशनल थिकनेस एआरटी कहते हैं, वो जो है थिनेस्ट पॉइंट और पीपीआई के बीच में निकाला जा सकता है। इससे हम केराटोकोनस का अंदाज़ा तब लगा सकते हैं जब हमारे पास एआरटी मैक्स 339 और एआरटी एवरेज 427 माइक्रोमीटर तक हो, ठीक है। इसी तरह एक्टेजिया कंडीशन आपके पास जो है वो एआरटी मैक्स जब आपके पास 391 और एआरटी एवरेज आपके पास 512 माइक्रोमीटर में हो, ठीक है। और जब एआरटी मैक्स आपके पास 400 माइक्रोमीटर से कम होगा तो हमारे पास लेजिक सर्जरी जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, ठीक है। एक और सॉफ्टवेयर है बेड, ठीक है, बेलिन एम्ब्रोसियो डिस्प्ले, जो कि हमारे पास डेरिवेशंस देता है नॉर्मेलिटी वैल्यूज़ की, ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए। इसमें जो ज़ीरो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल पॉपुलेशन को, वन रिप्रेजेंट करेगा एस डी टूअर्ड डिजीज़, यानी डिजीज़ की तरफ एक्टेजिया की तरफ आपको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और फाइनल डी जो है इसमें वो रिग्रेशन एनालिसिस को जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। इसी में हमारे पास बेड टू सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बेलिन एम्ब्रोसियो डिस्प्ले सॉफ्टवेयर टू, ठीक है। ये हमारे पास एक इसमें इनहेंस्ड रेफरेंस पेयर होता है, ठीक है, जो कि आपके पास 3.4 से 4 मिलीमीटर एरिया को जो है एक्सक्लूड करता है, ठीक है, सेंटर में। और थिनेस्ट पार्ट जो है कॉर्निया का वो जो है आपके पास उसका जो एक्टेटिक रीजन्स है या माउंटेन्स हैं वो आपको क्या शो करा रहा होता है, ठीक है, जिससे हमारे लिए एक्टेटिक रीजन्स को जो है फाइंड करना आसान हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो है एलिवेशन बेस्ड और जो पैकीमेट्रिक कॉर्नियल एवोल्यूशन है उसको कंबाइन किया हुआ था, ठीक है, एक ही कंप्रिहेंसिव डिस्प्ले में, ताकि हमारे पास एक गुड व्यू आ सके, ठीक है, टोमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्निया का, ठीक हो गया। इसके बाद अब सेकंड जो एप्लीकेशन है हमारे पास पेंटाकेम की वो है मेजरमेंट ऑफ कॉर्नियल पावर, ठीक है। तो इसमें सर्जन जो है एग्जामर केराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी में काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहता है, जहाँ पे वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस का रिलेशनशिप क्या है देखना चाह रहे होते हैं, जिसमें इन एक्यूरेट केराटोमेट्री रीडिंग्स जो है देखी जा सकती हैं, जो कि आई वेल कैलकुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे पास हेल्पफुल रहेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मायोपिक लेजिक सर्जरी वाला पेशेंट है, जिसमें अगर आपने के रीडिंग्स जो है उसका ओवर एस्टिमेट ले लिया है, जिसकी वजह से आपके पास अंडर एस्टिमेट आएगी आई ओ एल पावर की, और रिजल्ट जो है वो आपके पास हाइपरओपिक आउटकम्स आएंगे। एक और एग्जांपल इसी पे फिट कर सकते हैं कि अगर हाइपरओपिक पीआरके सर्जरी हो तो उसमें अगर अंडर एस्टिमेशन के रीडिंग्स की आ गई है तो हमारे पास ओवर एस्टिमेट आएगा आई ओ एल पावर का, और हमारे पास मायोपिक आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैटरेक सर्जरी में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है, और केराटोकोनस स्क्रीनिंग में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास हेल्प होती है पेंटाकैम की। कि ये हमारे पास डायरेक्ट मेजरमेंट देगा एलिवेशन डेटा का, ठीक है, जिससे हम क्या केराटोकोनस को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इनके अंदर एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी आपको मिलेगा, जिससे आप केराटोकोनस की ग्रेडिंग कर सकते हैं K1 से लेके K4 तक। पेंटाकैम हमारे पास जो है वो प्री ऑपरेटिव स्क्रीनिंग जो है रिफ्रैक्टिव सर्जरी से पहले उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है, ताकि हमारे पास एक्टेजिया कंडीशन और फॉर्म फ्रस कंडीशन जो है वो एक्सक्लूड हो सके, ठीक है। एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपके वो देगा, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ फॉर्म फ्रस्ट के लिए, ठीक है, जो कि आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एलिवेशन बेस मैप्स पे जो है बेस करता है, ठीक है। और ये मिचेल डब्ल्यू बेलिन ने जो है इसकी वैल्यूज़ दी हैं कि नॉर्मल वैल्यूज़ आपके पास इंटीरियर एलिवेशन की जो है वो 12 माइक्रोमीटर से कम है, और बिटवीन 12 एंड 15 जो है सस्पिशियस है, और 15 से जो ग्रेटर होगी वो आपके पास केराटोकोनस को इंडिकेट कर रही होती है। नॉर्मल वैल्यूज़ जो है वो पोस्टीरियर एलिवेशन के लिए जो है आपके पास 5 माइक्रोमीटर होनी चाहिए, ठीक है, हायर होनी चाहिए आपके पास एंटीरियर एलिवेशन से, ठीक है, तब हमारे पास उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लेट से अगर 10 है तो यहाँ पे अगर 15 भी है तो ये हमारे पास नॉर्मल कंसिडर होगी। अब हमारे पास कॉर्नियल वेव फ्रंट एनालिसिस है कि हमारे पास पेंटागैम से ये कैसे होता है। तो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉर्नियल सर्फेस जो है वो सेपरेटली जो है आपके पास जो है डिस्क्राइब किया जाता है ज़रनाइक पॉलीनोमियल्स के ज़रिए, ठीक है, जो कि आपके पास एलिवेशन डेटा को मेजर कर रहा होता है। इसमें हमारे पास कॉर्नियल वेव फ्रंट एनालिसिस और केराटोकोनस डिटेक्शन जो है वो आपके पास प्री ऑपरेटिव स्क्रीनिंग के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और इसके अलावा उन पेशेंट्स के लिए जो सर्जरी में इंटरेस्ट होते हैं लेकिन
पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्रेशन कंट्रोल के आपके पास पोस्ट ऑपरेटिव इसका कंट्रोल रहेगा, इसमें कोई बेनिफिट होगा आपको, तो उन चीज़ों के लिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। कुछ ओवरऑल एडवांटेजेस जो हैं पेंटाकैम के वो ये हैं, तो हाइयर रेजोल्यूशन जो है कॉर्निया की आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा, सरफेस इररेगुलरिटीज़ केराटोकोनस फॉर्म फ्रस्ट वगैरह की आपको डेटा देगा। थर्ड आपके पास ये है कि पैकीमेट्री जो है आपके पास लिम्बस टू लिम्बस प्रोवाइड करता है, और वेव फ्रंट एनालिसिस।